This call may be recorded or transcribed. या अली मदद मौला अली मदद मौला अली मदद जी जी हाँ बताने म्यूट करे हाँ हाँ और आवाज आवे छे बराबर हाँ आवे छे तो तमे रजा पर तो शुरुआत करिए जी बिस्मिल्लाह आमीन या अली मदद मौला अली मदद मौला के नाम से शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू करते हैं अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। सबसे पहले
अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन के लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूँ कि मौला ने एक बार फिर आपके बीच आके इलम बोलने का मौका दिया। और हाजरीन तमाम इलम मजलिस के भाई बहनों, जगत भर के सभी इस्माइली भाई बहनों, बाद में जो रिकॉर्डिंग सुनेंगे उनके, और इलम मजलिस के की छोटी बड़ी जो कुछ भी जो खिदमत करते हैं, उन सबका मैं बहुत तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। हाजरीन तमाम इलम मजलिस के भाई बहन और जग दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहन को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन उनकी सारी नेक उम्मीदें पूरी करें। आमीन मौला सबको अपने दूर में एक कर देवे। कुल आमीन रूहानियों को मौला असल मुबारक में वासिल करे। आमीन। आज आप अपने इमाम के लिए अपनी वफादारी और प्यार का एक बार फिर इजहार करने इकट्ठे हुए हो। ये मौके पर आपके साथ होने की वजह से हमारी खुशी गहरी और सच्ची है। हमारे सारे ख्यालात, हमारी सारी उम्मीदें, हमारी सारी दुआएं आपके लिए हैं। तुम में से हर एक को अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ होनी चाहिए। ये इल्म और समझ दूसरे हासिल करें उसके लिए जो कोशिश करते हैं, और जिन्होंने अपने मजहब को जानने का अपना मकसद बनाया है, उन्हें हम हमारे उम्दा प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। आपका इश्क और ईमान देखकर हम बहुत खुश हुए हैं। ये दुनिया में हमेशा का दुख है, हमको भी दिल में दुख है। हम जब आपकी मोहब्बत देखते हैं तब हमारे दुख भूल जाते हैं। अल्लाह के नाम से शुरू करते हैं, ऐसा हम बोलते हैं। अल्लाह कौन है? मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है। अल्लाह मेरे सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। अली सही अल्लाह खुदाविन हक मौलाना धनी सलामत दातार सरकार आका सुल्तान मोहम्मद शाह इमाम ने फरमाया, ईमान अनमोल चीज है और मौला को प्यारी है। हमारे दादा हजरत मौला मुर्तजा अली को मोमिन नुशेरी अल्लाह कहता था। उससे 70 मरतबा कत्ल किया गया, फिर भी वो अली अल्लाह कहता रहा। बाद में हुक्म आया कि सच्चा मोमिन है और उसकी औलाद भी सच्चाई वाली होगी। ये मोमिन और उसकी औलाद को कयामत के दिन जवाबदेही नहीं है। इतना दर्जा इसको उसके ईमान के लिए मिला था। जिसका ईमान गया उसका सब कुछ गया, जिसका ईमान सलामत रहा उसका सब कुछ सलामत रहा। लिहाजा अपने ईमान में कभी भी खलल नहीं होने देना। अल्लाह मेरा सलवात पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदन व आले मुहम्मद। सतगुरु कह सतगुरु कहे धर्म तो सचो ईमान नो ईमान सचो जान जे ईमान लावशे फरमान सु ते दास हमारा जान रे भाई ते दास हमारा जान है। जिंदा कायम पाया शाह पीर पाया।
अली पे तो सही अल्लाह कहिए ते मां ओछो नहीं रे लगार अमे एने मानियो सिदकसो एनु नाम छे जलन शाहो आकार छे तो रेखी सरो गुर कहे सचा सत गुरे एम कहिया पाय जिंदा कायम पाया शाहिर पाया या अली बिलुत्फिक अदरिकनी ओ अली आपकी रहमत से हमारी मदद को पहुंचो। मौला मुर्तजा अली की मदद हम मांगते हैं। मौला मुर्तजा अली कौन है? मौला मुर्तजा अली है वो इल्म का समंदर है। मौला मुर्तजा अली सही अल्लाह है, अल्लाह याने के खुदा। मुर्तजा अली ने फरमाया है कि जिसने अपने आप को पहचाना उसने गोया खुदा को पहचाना। हाजर इमाम को पहचान कर जो इबादत करेगा उसकी ही इबादत कबूल होगी, काम आएगी और सब कुछ अच्छा होगा। तुम्हारा अपना रूह असल मकाम पर पहुंचे वो अच्छा। तुम्हारा रूह एक दरिया की मानी है, मैं एक समंदर हूँ। तुम्हारे रूह का आखिरी सिरा समंदर में यानि मेरे अपने में है। आज इंशाल्लाह जो हमारा होमवर्क चल रहा है, जो रूहानी समझन के फरमान मुबारक है, उसमें कलाम इमाम मुबीन पार्ट वन का 51 फरमान है, उसका जो पहला होमवर्क है, फर्स्ट होमवर्क, उसकी हम ज़्यादा समझ हासिल करने की कोशिश करेंगे। उसके पहले दो सवाल है तो उसकी उसका मैं जवाब देने की कोशिश करूंगा। तो पहला सवाल ये है कि मैं जगह का नाम नहीं लेता हूँ, लेकिन जिन्होंने सवाल पूछा है वो जो घर पे रहते हैं वहाँ से जमात खाना बहुत दूर है। उनकी बातों से ऐसा पता चलता है शायद 50 मील या 100 मील दूर है और रोज़ जमात खाने नहीं जा पाते। तो इससे पहले भी एक भाई से बात हुई थी तो वो भी बता रहे थे कि वो साल में सिर्फ 3 बार ही जमात खाने जा पाते हैं, 5-6 घंटे की ड्राइव है, इतना जमात खाना दूर है। तो सालगिरह, नवरोज और इमाम बर्थडे ऐसे ही दिन वो जा पाते थे, वो दूसरे भाई की बात है। लेकिन अभी जो सवाल है उनको भी जमात खाना बहुत दूर है और वो नहीं जा पाते हैं। उन्होंने ऐसा क्लियर नहीं किया है लेकिन उनकी बातों से ऐसा लगता है कि शायद महीने में एक आध बार ही चांद रात को जा पाते होंगे ऐसा लगता है। तो उनका कहना ये है कि हम घर पे दुआ गुजारे और कैसे गुजारे, क्या करे। तो इसके लिए देखो मौला ने फरमाया है कि हम फरमान से देखें, कलाम मुबीन पार्ट वन का ही फरमान है और
गुजराती में देखो तो ये फरामीन नंबर 83 है। तो मौला ने फरमाया कि दिन के शुरुआत का पाया है कि हमेशा दुआ के वक्त जमात खाना में हाजिर रहना और वही दुआ पढ़नी। जो जमात खाना दूर है, मौला ने फरमाया, और आपको ये खातरी है, मतलब कि पहले तो मौला ने फरमाया कि दिन का शुरुआत का पाया है कि दुआ के वक्त आप जमात खाने में जाओ और जमात खाने में जाके दुआ पढ़ो, लेकिन आपको खातरी है यानी कि आप श्योर हो कि जमात खाना दूर है, जमात खाना दूर हो और आपको ये खातरी है कि आप वक्त सर वहाँ नहीं पहुँच पाओगे, तो आप रास्ते में हो तो रास्ते में, दुकान पे हो तो दुकान पे, रेलगाड़ी में हो तो रेलगाड़ी में। बाद में मौला ने फरमाया जहाँ भी आप हो दुआ का वक्त गुजार लेना। अभी ऐसी चौकसी करोगे तो इस तरह दुआ का वक्त आप संभालोगे तो दिन का पाया आपने मजबूत किया, ऐसा हम समझेंगे। तो देखो अभी है कि उनकी बातों से ऐसा लगता है कि काफी दूर है, समझो कि 3 4 5 घंटा ड्राइव, और शायद महीने में एक ही बार जा पाते हैं। तो पहले तो मौला ने फरमाया कि जमात खाने में जाओ और जमात खाने जाके दुआ पढ़ो, लेकिन हमारा मजहब बातू नहीं है और मजहब में मौला ने कन्वीनियंस रखी हुई है, फ्लेक्सिबल। तो अगर जमात खाना दूर है मौला ने फरमाया और आप नहीं जा पाते हो, तो मौला ने फरमाया कि जहाँ भी हो, आप दुकान पे हो, रास्ते में हो, रेलगाड़ी में हो और किधर भी हो, तो आप दुआ का वक्त गुजार दो। बराबर है? अभी उन्होंने बताया कि डायमंड जुबली पे मैं बाद में वो बोलता हूँ। दूसरा चीज उन्होंने बताई कि हम घर पे दुआ गुजारते हैं तो सीधा दुआ पढ़ते हैं तो बिस्मिल्लाह रहमान रहीम करके शुरुआत करते हैं तो हमको अमर अमर नहीं मिलता है। बराबर? तो अभी देखो जमात खाना दूर है तो हम घर पे दुआ पढ़ सकते हैं। तो मौला ने फरमाया कि ये कलाम बीन पार्ट 1 का 89 का फरमान है। मौला ने फरमाया कि कोई गांव में एक मुरीद हो तो भी कोई हरकत नहीं है, अगर उसका ईमान सलामत है तो एक आदमी 1 लाख के बराबर है। बाद में मौला फरमाते हैं कि कोई गांव में एक ही फैमिली है, एक ही कुटुंब है, एक ही खानदान है, तो बाप मुखी बने और बेटा कामड़िया बने। बराबर है? तो ये मौला ने हमको इजाजत दी है कि अगर समझो कि आप कोई ऐसे टाउन में या गांव में रहते हो, जमात खाना बहुत दूर है, तो एक से ज्यादा फैमिली है तो कोई एक घर डिसाइड करके वहाँ आप रोज दुआ पढ़ो। अगर एक ही फैमिली है तो मौला ने फरमाया कि बाप मुखी बने, बेटा कामड़िया बने और इस तरह आप दुआ गुजारो। हस्बैंड वाइफ है तो हस्बैंड मुखी बने, वाइफ कामड़िया की जवाबदारी करे। बराबर? तो सारी क्रियाएं जो जमात खाने में होती है वो हम घर पे भी कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना चाहिए कि समझो कि हमारा घर बड़ा है और काफी कमरे हैं, तो एक कमरा हम सिर्फ जमात खाने के लिए यूज करें, उसको अच्छी तरह साफ सुफ करके, धूप लोबान करके, इलम की किताबें रखे, कोई रहेल रखे उसके ऊपर इलम की किताबें रखे, तस्बीहें वगैरह वहाँ पे रखे, और उसको सिर्फ जमात खाने के लिए यूज करें, और वो कमरे में कभी भी जूते पहन के नहीं जावे। जैसे हम जमात खाने की हुरमत रखते हैं, अदब रखते हैं, इस तरह वो कमरे की अदब रखे। अगर मकान छोटा है तो कोई मकान के कोने में ऐसी जगह बना देवे छोटी, जहाँ फैमिली मेंबर 3 4 या जितने भी हो बैठ सके, और उतनी जगह हम अलग से रखे और उसकी अदब रखे और उसको पाक पाकीज़ा रखे, वहाँ जूते पहन के ना जावे। तो इस तरह मौला ने हमको इजाज़त दी है कि फैमिली के मेंबर ही मुखी कामड़िया बने और दुआ पढ़े। राइट? तो जब मौला ने हमको इजाज़त दी कि बाप मुखी बने, बेटा कामड़िया बने, तो बाद में मौला ने अगर इजाज़त दी हमको कि
बाप को मुखी और बेटे को कामरिया, तो अम्र भी मौला ने उसके साथ में दे दिया, राइट। तो जैसे जमात खाने में दुआ पढ़ी जाती है तो दुआ पढ़ने वाला मुखी साहब की इजाज़त लेता है मौला की ओर से अम्र के लिए कि बिस्मिल्ला, तो मुखी साहब बिस्मिल्ला बोलते हैं, तो कि मुखी साहब दुआ जो अम्र, तो अम्र हाजिर इमाम जो, तो वो सारी चीज़ें घर पे भी हो सकती है, बराबर। तो मौला हाजिर नाजर है, हम हाजिर इमाम कहते हैं, तो मौला हर जगह पे हाजिर है, बराबर। और ये ईमान है तो जैसे जाहिर में जमात खाना की बरकत है, वही बरकत है हम, हमको घर पे भी सारी मिल सकती है, क्योंकि मौला ने ये कहा है कि जमात खाना दूर है, आपको खातरी है कि वहाँ पर नहीं पहुँच पाओगे, तो आप दुआ घर पे गुजार सकते हो, बराबर। दूसरा उनका कहना है कि डायमंड जुबली के वक्त वो बता रहे थे कि उन्होंने किसी को ऐसा बताया था या उनको किसी ने ऐसा बताया कि आपके पास बैतुल ख्याल का बॉल है और जमात खाना बहुत दूर है, आप नहीं जा सकते, तो करीब की कोई मस्जिद में जाके आप बैतुल ख्याल की बंदगी करो। तो देखो, ऐसा कोई फरमान मौला ने नहीं फरमाया कि आप अपनी मस्जिद की कोई भी क्रिया जमात खाने में जाके नहीं कर पाते तो करीब की कोई मस्जिद में जाके करो, ऐसे नहीं भी फरमाया, राइट। तो हमको ऐसा नहीं करना। दूसरे उम्मा लोग के हमारे जो भाई बहन हैं, उनका जो फेथ है सिया और सुन्नी, उनकी मस्जिद में जाके, उनकी इबादत गाह में जाके, उनके खानका में जाके हमको हमारी मस्जिद की क्रिया नहीं करनी है। पहला तो बैतुल ख्याल की बात कर रहे हैं, तो उनका 5 टाइम का नमाज का वो वक्त है, तो सुबह हमको 4 बजे को इजाज़त भी नहीं देगा, और इजाज़त दे भी तो भी हमको वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो बैतुल ख्याल के फरमान मुबारक के अंदर भी मौला ने फरमाया है जमात खाने जाके बंदगी करने का, और घर पे भी नहीं जा सकते तो हम घर पे बंदगी कर सकते हैं। तो 3 वक्त की दुआ और बंदगी, अगर जमात खाना बहुत दूर है तो हम घर पे ही रह के, घर में हमने जो जगह बनाई उसी को जमात खाना समझ के, मौला को हाजिर नाजर समझ के, हम सारी क्रियाएँ जमात खाने में होती है वो घर पे भी कर सकते हैं। अच्छा, हमको करीब का, हमारा करीब का करीब जो जमात खाना है उसी समझो 3-4 घंटे का भी होवे, लेकिन हम किसी भी काउंसिल के अंडर में तो आते हैं, राइट। तो हमको वो जमात खाने के मुखी साहब के कांटेक्ट में रहना चाहिए, तो उससे क्या होता है कि मौला की ओर से जो तालिका मुबारक आते हैं, मौला की ओर से जो फरामीन आते हैं, गाइडलाइंस आती है, काउंसिल की ओर से भी जो गाइडलाइंस आती है, वो हमको रेगुलर, भले हम जमात खाने नहीं जा पाते हैं दूर होने की वजह से, लेकिन मुखी साहब के कांटेक्ट में रहने से वो सारी चीज़ें हमको टाइम से मिलती रहेगी, मौला के तालिक मुबारक और फरामीन गाइडलाइंस, उसके हम कांटेक्ट में रहेंगे, बराबर। तो ये मेरा जवाब है। तो कोई दिक्कत नहीं, जमात खाना बहुत दूर है तो आप, मौला हाजर नाजर है घर पर, सारी चीज़ें हम दुआ इबादत बंदी कर सकते हैं, राइट। तो अगर फिर भी आपको ये जवाब से और भी कुछ पूछना है तो ज़रूर मुझे फ़ोन करें, टेस्ट करें और वॉइस मेल छोड़ें। अच्छा, दूसरा सवाल ये है कि किसी ने पूछा कि हमारे मज़हब में हज कंपलसरी है कि नहीं, बराबर। तो कलाम बिन पार्ट फर्स्ट फरामीन, दूसरा फरामीन है, तो उसमें बोला फरमाते कि आज हज का दिन है और आज की ईद हज की ईद कही जाती है, जो हाजी लोग मक्के जाते हैं हज करने को उनकी हज आज के दिन कबूल होती है। शरीयती हज पैसादार लोगों पे वाजिब है, गरीब लोगों पे वो वाजिब नहीं है। देखो, यहाँ पे जो हज जो है वो शरीयती पे वाजिब है, लेकिन वो पैसे वाले पे वाजिब है तो उसका मतलब ये भी नहीं है कि हम इस्माइली में जो पैसे वाले हैं उन पे जाहिर में हज कर हर कर करना वाजिब है, ऐसा भी कुछ नहीं है। क्योंकि जो रसूलुल्लाह की जो शरीयत है,
रसूलिल्लाह पूरे उम्मत के रसूल है, बराबर नबी साहिब, हजरत नबी साहिब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रसूलिल्लाह की शरीयत क्या थी कि रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज। मैं वापस दोहराता हूँ, रोज़ा, नमाज, ज़कात और हज, ये चार शरीयत रसूलिल्लाह की उम्मत की थी, राइट। लेकिन रसूलिल्लाह को खुदा ने क्यों भेजा था कि लोगों को तैयार करे मौला मुर्तजाली की शनाख्त के लिए। मौला मुर्तजाली सही खुदा बिन आलमीन है, उसके लिए। तो रसूलिल्लाह ने एक काम के लिए सबको तैयार किया और रसूलिल्लाह ने ये शरीयत दी, बराबर। लेकिन रसूलिल्लाह की अब दुनिया में थोड़े दिन रहना था और बाद में दुनिया से रहलत कर जाने था। उसके पहले रसूलिल्लाह ने जब लास्ट हज की, ओके, और लास्ट हज करके वो मक्के से मदीना वापस लौट रहे थे, तब उन पे सूरह माईदा वो सूरा नाजिल हुई और वो सूरा में जो तीसरी आयत है जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें क्या है, मौला ने खुदावंद ताला फरमाते हैं, जो चौथी सूरा है और सूरह माईदा पांचवी सूरा है, सॉरी, और तीसरी आयत है, तो उसमें खुदावंद ताला फरमाते हैं, क्या दिन में तुम्हारा दिन पूरा किया है और मेरी मेहरबानी आपके ऊपर पूरी की है और आपके लिए मैंने इस्लाम मजहब पसंद किया है। तो देखो, यहाँ मौला खुदावन ताला सूरह माईदा, जो सूरह पांचवी सूरह है कुरान की, उसमें तीसरी आयत है सूरह माईदा की, उसमें जब रसूलिल्लाह लास्ट हज करके मक्के से मदीना लौट रहे थे तो तभी ये वही नाजिल हुई और ये सूरा है, आयत है कि आज दिन में आपका दिन जो मजहब है मैंने पूरा किया है और मेरी मेहरबानी आपके ऊपर पूरी की है और इस्लाम मजहब आपके लिए पसंद किया है। तो इस्लाम मजहब तो रसूलिल्लाह जब खुदा ने उनको अपना पैगंबर बनाया और लोगों को नसीहत करने कहा, तब से इस्लाम की शुरुआत हुई। तो जो रसूलिल्लाह को पैगंबरी मिली और गदीर खुम में मौला मुर्तजाली की जहूरात करने वाले थे, ओके, वहां तक जो दिन था उसको पूरा किया और मेहरबानी क्या दी, तो के मौला मुर्तजाली की शनाखत दी। और बाद में खुदावंद ताला फरमाते हैं कि दिन पूरा किया, मजहब पूरा किया, तो ये फिर नया मजहब क्या आया कि मैंने आपके लिए इस्लाम मजहब पसंद किया है। तो अभी जो इस्लाम की अभी तक जो रसूलिल्लाह ने समझाया उसको पूरा किया और मौला मुर्तजाली का दामन दिया रसूलिल्लाह के वसी की रूप से और मौला मुर्तजाली की शनाख्त दी कि मौला मुर्तजाली सही खुदा बिन आलमीन है, वो मेहरबानी की और वो इस्लाम पसंद किया। उसलिए रसूलिल्लाह ने गदीर खुम में फरमाया कि जिसका मैं मौला हूँ उसका मौला अली है, मौला यानी मालिक। तो आप जैसे मुझे मालिक समझते थे मौला, इस तरह अभी अली मेरा वसी है, उनको आप अपना मालिक समझो। दूसरी मायना ये है कि आप मुझे अपना मालिक समझते हो तो मेरा भी मालिक अली है, बराबर। तो अभी देखो पैगंबर और रसूल में क्या फर्क है, तो पैगंबर 140,000 हो गए, रसूल सिर्फ 313 हुए। तो रसूल वो है जो शरीयत में तब्दीली ला सकते हैं, शरीयत में शरीयत चेंज कर सकते हैं या पूरी नई शरीयत ला सकते हैं। जैसे मूसा पैगंबर थे वो भी रसूल थे तो उनकी शरीयत अलग थी, ईसा पैगंबर थे वो भी रसूल थे उनकी शरीयत अलग थी, लेकिन रसूलिल्लाह इस्लाम लेके आए वो भी रसूल थे हजरत नबी साहेब और वो दूसरी शरीयत लेके आए, राइट। तो पैगंबर से ऊपर दर्जा इमाम का है, तो इमाम भी ये चीज पैगंबर और
रसूल रसूल सॉरी रसूल कर सकते हैं, तो इमाम तो उससे भी ज्यादा कर सकते हैं, बराबर। तो रसूलिल्लाह को सारी उम्मत ने माना और रसूलिल्लाह अपना वसी मौला अली को वसी बनाया और उनकी ताबेदारी करने को फरमाया, राइट। तो अभी हमको मौला मुर्तजा अली की ताबेदारी करनी है, और आज तक गदीरे खुम से लेके आज तक हम मौला का दामन पकड़े हुए हैं और सब इमाम मौला मुर्तजा अली हैं। जो मौला मुर्तजा अली की गदीरे खुम में जहूरात हुई थी, वही मौला मुर्तजा अली करीम हाजिर इमाम है और वो हाजिर नाजिर है हमारे बीच में। तो हमारी शरीयत क्या है, तो हमको ये जाहिर की हज की फिक्र नहीं करनी है, वो हमारे पे वाजिब नहीं है। तो हमारे पे शरीयत, तो हमारी शरीयत ये है कि 3 वक्त की दुआ है और 10 ओंद है। वो हमको जैसे दूसरे मुसलमानों को 4 चीज़ें हैं कि हज, रोज़ा, नमाज, जकात, इस तरह हमारे पास दुआ और 10 ओंद है। और थोड़े डीप में जा गए तो फरमान जो पढ़ते हैं उनको मौलाए समझाते हैं कि ये जो सारे फरामीन हो रहे हैं उसको आप बराबर समझो। हकीकत और शरीयत क्या है, ये किताब रोज़ा नमाज और बंदगी को चाहता है और वो उम्मीद आज़ादी की रखता है। तो किताब रोज़ा नमाज बंदगी, तो किताब की बात करें तो किताब को यहाँ क्यों शरीयत कहा गया, क्योंकि तो किताब में इलम है और इलम यानि फरामीन ही हमको समझाते हैं कि मजहब के अंदर शरीयत, तरीकत, हकीकत, मारिफत क्या है। तो बराबर, तो उसे शुरुआत होती है शरीयत की, राइट। तो इलम पढ़ना वो भी शरीयत है, लेकिन इलम पे सोचना वो तरीकत है, और इलम में से मौला मुर्तजा अली की शनाखत हासिल करना वो हकीकत है, या अली को पहचानना हकीकत है, और उससे अपने रूह को नजात करना वो मारिफत है, और पांचवा खुदा वो फना फिल्ला की बात है। तो किताब रोज़ा, तो हमारे मजहब में, इस्माइली मजहब में हमारा बातूनी तरीका है, उसमें जो हमारे लिए जो रोज़े है, जो शुक्रवारी बीज है वो हम रखते हैं, वो है किताब रोज़ा नमाज। तो मौला ने फरमाया दुआ और नमाज में कोई फ़र्क नहीं है, तो हमारी जो दुआ है वो शरीयत है, और बंदगी उसको भी मौला ने शरीयत में कहा, राइट। तो दुआ 10 ओन के बाद ये 4 चीज़ें हमको फरमान के अंदर मौला ने शरीयत बताई, और ये फरमान के अंदर हकीकत मौला ने बताई कि उम्मीद आज़ादी की रखना वो हकीकत है, बराबर। अभी हम पर्टिकुलर हज की बात कर रहे थे, तो ये कलाम बिन पार्ट 1 में दूसरा फरमान है, उसमें मौला फरमाते हैं जिनको बातूनी हज करनी है, क्योंकि हमारा मजहब बातूनी है, मौला ने फरमाया जाहिर का फायदा कुछ काम का नहीं है, आपको सब कुछ जाहिर ही चाहिए, बातून की और आप कुछ भी निगाह नहीं करते हो, जाहिर जो कुछ भी है वो दुनिया के रिलेटेड है। मौला ने फरमाया आप बातून को देखोगे तो ही आपके काम होंगे, यानी आपका रूह का काम होगा, आपको रूह को नजात मिलेगी, आप खुदा के नूर में एक होगे। तो ऑलवेज हमारा फोकस, हाँ सवाल होने, कुछ भी सवाल हो मस्जिद के रिलेटेड पूछना चाहिए, नहीं पूछोगे तो खुदा ना खास्ता हमेशा वो आपके आपको तकलीफ देता रहेगा, और वो खुदा ना खास्ता उसका जवाब नहीं मिलेगा तो वो बाद में शक और वसवसा में तब्दील हो जाएगा। तो जो भी मजहब के रिलेटेड सवाल है उसका सर्च करना चाहिए, हमको खुद इलम पढ़ के ढूंढना चाहिए, इलम मजलिस में आना चाहिए, डिस्कशन करना चाहिए, बराबर। तो हमारा बात मजहब बातू नहीं है, तो अभी हज की बात है, तो जाहिरी हज हमारे पे वाजिब नहीं है, ओके। तो मौला ने फरमाया जिनको बातूनी हज करनी है उनके लिए जरूरी है कि धर्म में कायम रहे। धर्म में कायम रहना मतलब क्या है, तो मौला आगे फरमाते हैं इमाम जमान का दामन मजबूती से पकड़े, अपने दीन भाइयों से मोहब्बत करें, उनके साथ मिठास से बरते, 10 ओन माले वाजबात दे, बातूनी बंदगी करे, छल कपट और झूठ बोलने से डरे, हराम और हलाल को पहचाने, इससे उसके फायदे और सवाब इतने हैं जो बताए नहीं जा सकते,
हमारे बाप दादा फरमा गए हैं और आपको पता है, उसलिए हम ज़्यादा आपको नहीं बताते, मौला ने फरमाया। तो हमारा ध्यान बातून की ओर होना चाहिए, जाहिरी की हम फिक्र ना करें, और हम हमारी शरीयत और हमारी फरमाबरदारी हमारे इमाम पे, हमारे इमाम जो फरमाते हैं, मौला फरमाते हैं, उसकी ताबेदारी हमको करनी है। ओके, क्योंकि सारी उम्मत पर जो शरीयत है वो रसूलुल्लाह की है, लेकिन रसूलुल्लाह ने जब अपना वसी मौला मुर्तजा अली को बनाया और खुदा ने फरमाया सूरह मायदा जो पांचवी सूरह है उसमें तीसरी आयत में कि मैं आपका दिन मैंने पूरा किया है और आप पे मेरी मेहरबानी पूरी की है और आपके लिए इस्लाम दिन पसंद किया है, राइट? तो दिन पूरा कर दिया तो अभी कौन सा दिन पसंद किया? तो ये मौला मुर्तजा अली का दामन है, वो इस्लाम है, और अभी हमारे लिए हमारे मौला है उनका दामन पकड़ना है। तो हमको जो मौला फरमाते हैं वो हमको करना है। तो हम बातूनी हज की बात करें तो शॉर्ट में कहवे तो जमाने जमाने इमाम के इमाम ऑफ द टाइम मौला के हाजर इमाम का दामन हम मजबूती से पकड़े रखे, ये हमारी बातूनी हज है। तो ये दो सवाल थे, फिर भी किसी को और भी ज़्यादा पूछना है, जानना है, नहीं समझ में आया तो ज़रूर मुझे फ़ोन करे, टेक्स्ट करे, वॉइस मेल छोड़े। तो थैंक यू वेरी मच पूछने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी हम जो हमारा होमवर्क चल रहा है अभी 51वां फरमान, उसको समझने की हम कोशिश करेंगे। तो ये पहला होमवर्क है फरमान 51 का। इंसान में बे टोला छे, दो टोले हैं इंसान में, उर्दू में शायद गिरोह बोलते हैं। पहले हैवान की सूरत का है और दूसरे मलाइक की सूरत का है। तो इंसान के बारे में हम समझ गए, जैसे हम इलम इजालिस में नहीं थे, इलम नहीं पढ़ा था, तो हम एक ह्यूमन बीइंग को इंसान बोलते थे कि दो हाथ दो पैर और जो अशरफुल मखलूकात है, जिसको पूरी मखलूकात खुदा ने बनाई, जिसमें सबसे बेहतरीन अक्ल दी है, वो इंसान। लेकिन फरामीन के अंदर आने के बाद मौला ने हमको समझाया कि हम जो फरामीन आपको फरमाते हैं वो जवाहिर है, और जो जवाहिर को उठा लेता है वो इंसान है, जिसमें अच्छे और बुरे की समझ है वो इंसान है, और जो ऊपर जाने की उम्मीद रखता है वो इंसान है। ये इंसान के अंदर दो टोले हैं, राइट? एक हैवान की सूरत का है, दूसरा मलाइक की सूरत का है। तो हैवान मौला ने फरामीन ने बताया कि हम जो फरामीन आपको फरमाते हैं वो जवाहिर है, जो इंसान है वो जवाहिर को उठा लेगा, जो हैवान है उसकी निगाह घास पे रहेगी और वो जवाहिर को छोड़ देगा। तो पीरों ने गिनान में बताया कि देही है तरला ने घास, देही है जो मजहब का जिस्म है, जो जाहिरी चीजें है वो घास बराबर है। नूर सतगुरु बोलिया मुनिवर तमे कर जो आत्मा अभ्यास, अपने रूह का अभ्यास करो, अपने रूह की स्टडी करो। जो मौला ने फरमाया कि आप में जो रूह है वो क्या है, तो आप अपने दिल में अपने रूह को यानी कि मेरे नूर को देखो। इसलिए मौला फरमाते हैं कि आपका फजीलत और सारा वक्त रूह को पहचानने के लिए है। तो वो पहचान इलम में मौला ने रखी है, मन अरब का यानि खुद के रूह की पहचान इलम में, सो पीर कामिल से पावे, रैन दिन मिलो जाए इलम मजलस में, तो भेद मुर्शिद बतलावे। तो फरमान छोड़ के बद नज़र से देखोगे तो दिल की आंखें आस्ते आस्ते अंधी हो जाएगी, दिल में अंधेरा हो जाएगा और नूर को कभी भी नहीं देख पाओगे। तो जो गुनाह करता है वो हैवान है। तो इलम की दुनिया में ये गुनाह है कि मौला हमको इलम, जिस पर कर्म करे वो आप, उसको आप ही आप बुझावे। मौला ने हम पे कर्म किया है और वो इलम का रूप लेके आता है, हम खुद इलम पढ़ते हैं या कोई आलिम से हमको सुनाता है, इलम औलमा कामिल और मुर्शिद बनकर समझाता है, इलम औलमा कामिल मुर्शिद बनकर आप सुझावे। तो फरमान पे हमारा ध्यान होना चाहिए,
ये तीन चीजें जो उठा लेता है, समझता है वो इंसान है, उसके अंदर अभी भी हैवान और मलाइक के दो सूरत है, राइट। जैसे मौला ने अलग अलग जगह पे फरमाया कि अभी आपकी और दो रास्ते हैं, एक सड़क एक तरफ गई है, दूसरी तरफ सड़क दूसरी तरफ गई है। एक सड़क हैवान यानी बदन की है, जो अभी हमने बात की ना कि देह से तरला निकास, जिस्म देह की बात हुई। एक सड़क हैवान एटले बदन नीचे, बीजी सड़क रूहनी एटले के फिरस्ता नीचे, दूसरी सड़क रूह की यानी कि फिरस्ता की है, जो अब अभी हम समझ गए कि आपके फजीलत और सारा वक्त रूह को पहचानने के लिए है। और ये दुनिया में दो जात के मोमिन है, एक बदन के मोमिन है, एक रूह के मोमिन है। इस तरह अलग अलग जगह पे मौला ने दो चीजें बताई है। और इंसान में बे दो एक शैतानी फितरत है, एक फिरस्ता की हालत है, एक आतिश का दिया है मौला ने, पर आप में दो दिए हैं, एक आतिश का दिया है इंसान की हालत में और एक नूर का दिया है। आप जो दिए को ऊपर लाओगे आप वैसे बनोगे, बराबर। तो दूसरा है मलाइक की सूरत का है। तो मौलाना रूमी कहे गए कि मैं पत्थर था, उसमें से जाड़ दरख में पैदा हुआ, बाद में चूटी में पैदा हुआ, जानवर में पहुंचा, बंदर में पहुंचा, बाद में इंसान बना हो, उसमें से मैं क्या बनूंगा? तो बोले मलाइक बनूंगा, उससे भी ऊपर जाऊंगा। तो कई जगह पे मलाइक को फिरस्ता कहा गया है, लेकिन अकाली शर्मा बाप ने हम आगे भी फरमान में समझे कि जो मलाइकों के जो सरदार होते हैं उसको फिरस्ता बोलते हैं। तो एक फिरस्ता की हालत है। तो फिरस्ता पाक है, दिल पाक रखने से मुक्ति मिलती है यानी आज़ादी मिलती है। मौला ने फरमाया कि नेक काम करो और पाक रहो तो तुम मलाइक जैसे बन जाओगे। तुम्हारा दिन ऐसा है कि आप उस पे चलोगे, अमल करोगे तो फिरस्ता और मलाइक जैसे बनोगे और आपका रूह पाक हो जाएगा। तो दूसरी सड़क रूह की यानी कि फिरस्ता की। तो कैसे पाक होगे? दिल पाक रखने से मुक्ति मिलती है, फिरस्ता पाक है दिल यानी कि रूह। तो उसका आसान रास्ता मौला बताते हैं कि बिन इलम तू पाक क्यों हो सी, ये फरमाया कौसरे साकी। फरामीन के फरमान नूर है, उसके कंटिन्यू कांटेक्ट में रहने से हमारा दिल पाक और साफ होता है और रूह को नजात मिलती है। हैवान होना या मलाइक बनना, ये इंसान के खुद के हाथ में है। खुद के हाथ में है मतलब आप कर सकते हो। भी मौला ने फरमाया कि हमारे दादा जान फरमाते थे, हम भी फरमाते हैं कि घोड़े को पानी तक ले जा सकते हैं, उसको जबरदस्ती पानी नहीं पिला सकते, राइट। तो ये रास्ता हमको बता दिया इलम का मौला ने। अभी करना न करना हमारे हाथ में है। तो इसलिए मौला ने फरमाया कि अभी हैवान बनना या मलायक बनना, ये इंसान के खुद के हाथ में है। तो ये चीज कोई ऐसी चीज नहीं है मौला ने फरमाया कि नसीब पे डिपेंड करती है, इंसान फिरस्ता बने उससे भी ऊपर जावे। तो आप आपका रूह पाक होगा तो आप जिब्राइल फिरस्ता से भी ऊपर जाओगे यानी पैगंबर जैसे बनोगे, और फिरस्ता के ऊपर शाह है जो मौला मुर्तजा अली सही खुदाविन आलमीन का दर्जा है, सना फिल्ला होने की बात है, वो भी आप कर सकते हो। नहीं तो क्या होगा कि इंसान वापस हैवान भी बन सकता है, पत्थर भी बन सकता है। ये सब कुछ आपके हाथ में है, ये कोई ऐसी चीज नहीं है जो नसीब पे दारोमदार रखती है। मौला ने फरमाया अक्ल वाले इंसान को लाजिम है कि अच्छे रास्ते पे चले और मलाइक के ठिकाने पहुंचे। तो जो तुझे खुदा ने अक्ल दिया तो दुनिया को न कर प्यार, कि ये जो ठाम छोड़ना वहां घर करे, ऐसा काम करे गेमार। के इलम वाला रूह दर्जा दर्जा ऊपर चढ़ता है, एक दर्जा पूरा करता है, दूसरा दर्जा हासिल करता है। तो जो ठाम छोड़ना है वहां बैठे नहीं रहना है, आगे जाना है। और वो इलम वाला रूह हमारे फरामीन आपके रूह को पहुंचा हो बड़ी चीज है। तो
तो हमारा रूह इलम वाला होता है और उसके दरजात बढ़ते हैं। जैसे मौलाना रूमी कहे गए कि मैं पत्थर था, वहाँ से लेके इंसान बना हो, उससे आगे जाऊँगा मलाइक बनूंगा, उससे भी ऊपर जाऊँगा। तो हमने इलम से देखा कि जिब्राइल फिरस्ता से भी ऊपर यानि पैगम्बर जैसे, और उससे भी ऊपर बताया राइट, ये फिरस्ता के ऊपर से आए। तो अक्ल वाला इंसान यानि इंसान की अक्ल की जड़ इमाम की अक्ल है, आपको इमाम के फरामीन पे चलना चाहिए। तो अक्ल यानि के मौला के फरामीन है, वो इंसान अक्ल वाला है, तो उस पर लाजिम है कि वो अच्छे रास्ते पे चले। तो मोहब्बत मौला की राह सीधी है, वो सच्चा रास्ता है, सीधा रास्ता है। हमारा दिन सीधी सड़क जैसा है, आप उस पर सीधे चले जाओगे तो आप अपने गांव पहुंच जाओगे, यानी अपने असल मकाम पर पहुंच जाओगे। और मलाइक के ठिकाने पहुंचे, और मलाइक से भी आगे मौला रूम के इंसान में से क्या बनूंगा, मलाइक बनूंगा, उससे भी ऊपर जाऊंगा। तो जिब्राइल फिरस्ता से भी ऊपर, पैगंबर और उसके भी ऊपर मौला मुर्तजा अली सही खुदाई आलमीन। तो इस तरह हम इलम की स्टडी करके हमारा दिल पाक और साफ करके हम आगे बढ़ सकते हैं। आगे मौला ने फरमाया, हमको गटारत है कि आपको अच्छा रास्ता दिखाए, ये रास्ते पे आप चलो न चलो आपकी मर्जी के ऊपर है। आप फरमान नहीं मानोगे तो हमारे वास्ते कुछ भी नहीं है, आपके फायदे के लिए हम कहते हैं। तो मौला का काम क्या है, मौला ने फरमाया हमारा काम है कि आपको दिन का सच्चा रास्ता दिखावे, कि उस पे आप चल के पार पाम सको, सीधा और सच्चा रास्ता दिखावे। तो मौला ने हमको इलम से वो फरामीन से रास्ता बताया है, तो उस पे अगर नहीं चलोगे तो चलोगे तो अच्छा है, नहीं चलोगे तो आपकी मर्जी। मौला ने फरमाया हमारा फरामीन नहीं मानोगे तो हमारे वास्ते कुछ भी नहीं है, आपके फ़ायदे के लिए फरमाते हैं, मौला ने फरमाया। तो 313 फरामीन के मुबारक के अंदर मौला ने फरमाया कि अभी आपकी जो बकिया जिंदगी है वो बेफायदे और बेफिजूल कब तक गंवाते रहोगे, तो फ़ायदा किस में है। तो आप अपने आदम के अवतार को पहचानो, इंसान अवतार तरीक जो मर्तबा है वो आप समझो, तो ये फ़ायदा हमको हासिल करना है बराबर। तुम गाफिल हो, तुमको पता नहीं है। तो जो गाफिल है उनको मौला फरमाते हैं, तो ये फरामीन हम हमारे रूह को पहुँचावे कि क्या हम गाफिल हैं कि नहीं। तो कौन गाफिल है, तो गाफिल वो है जिसको खबर नहीं है। तो क्या खबर नहीं है, तो अभी हम 313 फरामीन मुबारक की मौला ने हमको यादी दी कि आपकी बकिया जिंदगी वो बेफायदे और बेखबरी से कब तक गंवाते रहोगे। आपके आदम के वजूद को पहचानो, इंसान वजूद का आपका जो मर्तबा है उसको पहचानो। अगर ये हम हमारे आदम के अवतार को वजूद को नहीं पहचानते हैं, हमारा मर्तबा नहीं समझते इलम से, तो हम गाफिल हैं, हम बेखबर हैं। तो तुम गाफिल हो, तुम बेखबर हो, मौला ने फरमाया आपको पता नहीं है, मौला ने फरमाया खबर नहीं है। आगे मौला फरमाते हैं कि इंसान जिंदा है, उसको पैसा दिया जाए और वो व्यापार करे, व्यापार में नफा होवे तो ठीक, अगर नुकसान होता है तो गलत काम हुआ। बाद में मौला फरमाते हैं कि हमारा मकसद व्यापार के लिए नहीं है, यानी दुनिया की व्यापार की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, वो मेरा मकसद नहीं है, आखरत के फायदे के लिए मैं आपको फरमा रहा हूँ, आखरत के फायदे के लिए है, तुम्हारे अच्छे आमाल फायदे के लिए है और आखरत में तुम्हारे वास्ते फायदा है। तो दुनिया के व्यापार की बात नहीं कर रहे, तो दुनिया की पैसों की भी बात नहीं हो रही है यहाँ पे। तो पहले तो मौला ने फरमाया कि तुम गाफिल हो, क्यों गाफिल हो, कि तुमको पता नहीं है, खबर नहीं है, यानी हमारे आदम अवतार का जो हमारा वजूद है उसको हम इलम से नहीं पहचानते। जो मन अरफ हमारे रूह की शनाख्त इलम में है, और आपकी फजीलत और सारा वक्त रूह को पहचानने के लिए है। तो ये इंसान जो तीन चीज़ें हमने इलम में समझी कि
फरामीन रूपी जवाहिर को उठा लेता है, अच्छे बुरे की समझ है और ऊपर जाने की उम्मीद रखता है, वो इंसान जिंदा है यानी अभी मरा नहीं है, यानी जाहिर की मरने की बात नहीं हो रही है, क्योंकि उसको तो पीरों ने फरमाया कि सदगुरु कह रहे झूठा मरना तो सब जुग मरे, वो तो सब झूठे मरते हैं जो 60, 70, 80, 90, 100 साल में मर जाते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, पर साचा न मरे कोई। आ गुर गिनान है, हमारे फरामीन वही गिनान है, ये फरमान से जो मर गया, फरमान में फना हो गया, एक हो गया। आ गुर गिनान है, जे मरे तिसे बहुत मरना न हुए, इस मरने आगल जो मर चले, ये मरने के आगे मरने का है, तो अभी मरे नहीं है तो ये इंसान जिंदा है, तो उसको पैसा देता है मौला। क्यों पैसा देता है? व्यापार करने के लिए। क्या पैसा देता है? तो सलाम में मौला मुर्तजा अली सही खुदाई आलमीन फरमाते हैं कि दुनिया दौलत तू पाईसी, अगर तूने दुनिया की दौलत पाई तो छोड़ जाएसी दुनिया ठाम, जब तू इस दुनिया से चला जाएगा तो इसी दुनिया में तू छोड़ जाएगा। इलम दौलत तू संग आईसी, इलम की दौलत ऐसी है वो तेरे साथ आएगी, उसकी पाईसी जन्नत मुकाम। तो यहाँ इलम की दौलत की बात हो रही है, वो पैसे की बात हो रही है, और वो पैसा मौला इंसान को देता है जिसमें ये तीन गुण आ जाते हैं, फरामीन रूपी जवाहिर को उठा लेता है, अच्छे बुरे की समझ आती है और ऊपर जाने की जो उम्मीद रखता है, उसे मौला पैसा देता है, इलम की दौलत देता है। और वो क्यों देता है? व्यापार करने के लिए देता है। व्यापार क्यों कराता है? कि नफा होने के लिए, तो नफा हुए तो अच्छा है, मौला ने फरमाया अगर नुकसान हुआ तो गलत काम हुआ। तो हम ये मौला जो इलम की दौलत हमको देते हैं, जो हिदायती नूर है, तो हमको क्या व्यापार करना है? तो एक तो हमारे खुद के फायदे के वास्ते मौला ने फरमाया कि आपका फजीलत और सारा वक्त रूह के पहचानने के लिए है, मन अरफ यानि खुद की रूह के पहचान इलम में है, सो पीर कामिल से पावे, रैन दिन मिलो जाए इलम मजलस में तो भेद मुर्शिद बतलावे। खुद को पहचानना है, खुद की रूह की शनाखत करनी है, तो और पहचान के इबादत करके खुदा के नूर में एक हो जाना है, और दूसरों को भी मौला ने फरमाया कि आप में से हर एक जो ये अपना मकसद बनाया है अपने मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ हासिल करने का, और जो दूसरे को ये इल्म हासिल करने के लिए मदद करते हैं, उनको हम हमारे प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं, राइट। तो हमको ये व्यापार करते हैं, राइट। तो व्यापार में क्या होता है कि एक खुद के लिए नहीं करता है, एक दूसरों से ट्रांजेक्शन करता है, राइट, दूसरे से व्यापार करता है। जैसे पीर सदरदीन साहब ने जो हम खुशहाली के गिनान में पढ़ते हैं कि हमें वणजारा जो जो वोरो वीरा वणज हमारा, कि हम व्यापार करने वाले हैं, हमारे पास क्या क्या ये हीरा मोती जवाहिर है आप देख के उसके उसका वणज करो, पशु जीवड़ा क्या जाने वणज हमारा, जो दिखने में इंसान है लेकिन जिनकी दिल की हालत पशु जैसी है, तो हैवानी हालत है, वो हमारे व्यापार को क्या समझेंगे? तो हैवान की निगाह घास ऊपर रहेगी और जवाहिर को छोड़ देंगे, राइट। तो ये व्यापार करना है। पीरों ने भी गिना ने बताया कि वापरो तो वधे, ये जो मौला दौलत इलम की देता है वो वापरने से बढ़ती है, खर्चो तो खुटे नहीं, खर्चने से खुटती नहीं है, ने चौवाटे वेचा है वेचा बिल्कुल खोटी करी ना के, तो इसको कोई टंगशाल नहीं, मोर मौला के टंगशाल में ये मोहर छपी हुई है, उसको कोई गलत नहीं कह सकता। तो ये मौला ने अमूल्य जवाहिर रूपी फरामीन की दौलत हमको दी है, तो हमारे खुद के लिए और दूसरे भी ये इल्म हासिल कर सकें, मौला की शनाखत मौला की मोहब्बत हासिल कर सकें, उसके लिए मेहनत करें, तो हमने इसमें से नफ़ा पाया, ऐसा हम कह सकते हैं, बराबर। क्योंकि मौला जो खुद काम करता है वो काम हमसे कराना चाहता है, कि हम देखो हम दिन का काम करते हैं, आप भी दिन का काम करो, आप दिन का काम नहीं करोगे और मर जाओगे तो बहुत पछताओगे। तो मौला दिन का क्या काम करते हैं, कि हमारा काम यह है कि आपको सच्चा और सही रास्ता बता दे और उस पर चल के आप पार पा सको, यानी आप अपने असल मकाम पर पहुंच जाओ।
तो ये पैसे की मौला ने मायना बताई, व्यापार और उसमें नफा। तो आगे मौला ने फरमाया कि हमारा मकसद व्यापार के यानी दुनिया के व्यापार के नहीं है, लेकिन आखिरत में आखिरत के फायदे वास्ते हैं, और आपके अच्छे अमाल फायदे वास्ते हैं और आखिरत में आपके लिए फायदा है। तो मौला हमको रूहानियत में आगे बढ़ाता है। जैसे मौला ने फरमाया कि आप हमारे पास दुनिया की बातें लेके आते हो, कैसी दिलगिरी की बात है, वो दुनिया पे आपका ख्याल कम है। तो दुनिया दिन चार है, ये दुनिया 2 दिन की है, तो वो दुनिया 2 दिन की हुई, तो ये दुनिया से पहली दुनिया यानी जो दूसरी दुनिया है वहां मौला ले जाता है। लेकिन वहां जाने के बाद भी मौला फरमाता है कि 14 तबक लग जो जो नियामत सो सब जानो दुनिया फना, वो भी दुनिया है। खुदा तो है सबसे न्यारा, और जो पसरिया सो रब का नूर, जो देह में पन से हाथ उठाओ तो बाकी है सो रब का जहूर। यानी खुदा के नूर में एक होने तक की बात मौला हमको बताते हैं। तो यहाँ आखिरत में फायदे की बात ही है, लेकिन जिसको खुदा के नूर में एक होना है तो उसके लिए तो ये सारी चीजें भी नीचे रह जाती हैं। जैसे कलाम में मौला फरमाते हैं, सास उसा से समरन कर ले और हीरा सवा सब छोड़, हक बिना सब हीरा सवा है तू हक से मोहब्बत जोड़। जो जो सुख दुनिया उकबा के, दुनिया के सुख और उकबा के यानी आखिरत के सुख को भी नीचे रख दे, छोड़ दे। जो जो सुख दुनिया उकबा के सबसे दिल को वार, अपने दिल को वार दे सबसे। जो पावेगा वसल हक का, अगर तू वसल हक हो गया, खुदा के नूर में एक हो गया, तो ये सब रहेंगे तेरे ताबेदार। हक बिना सब हीरा सवा है, यानी असल मकाम पे पहुंचने की उम्मीद रख, खुदा के नूर में एक होने की उम्मीद रख। खराब आमाल से दुनिया में नुकसान है, ये सब कुछ आपके हाथ में है। जैसे अमल करोगे वैसे बनोगे, अच्छे काम पे अमल करो, अमल करोगे तो मलाइके दरजे पे पहुंचोगे। तो देखो हमने मलाइके दरजे की बात की, फिरस्ता की, और हमारा दीन ऐसा है कि मौला कि आप ऊपर चलोगे तो मलाइक हो जाओगे और फिरस्ता और मलाइक जैसे बनोगे, और आपका रूह पाक होगा, दिल यानी कि रूह, और रूह दिल पाक रखने से नजात मिलती है। बिन इलम तो पाक क्यों हो, इसे फरमाया कौसर साकी। तो जब अमल की बात होती है तो आगे भी हमने समझा है, वापस दोहराते हैं कि अमल की बात होती है तो हमारा ध्यान सिर्फ जाहिर तक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जाहिर जो कुछ भी है वो दुनिया के रिलेटेड है। क्योंकि जब हम अमल की बात करते हैं तो हमारा ध्यान यहाँ तक ही जाता है, स्टार्टिंग में, कि बद नजर मत करो, झूठ मत बोलो, निंदा मत करो, बदगोई मत करो। तो बराबर है, वो करना है, आमाल है, राइट। लेकिन मौला उससे भी आगे हमको आमाल की डेफिनेशन समझाते हैं डीप के अंदर। क्योंकि जाहिर में कोई इंसान ये चीजें नहीं करता है तो दुनिया में वो अच्छा है, ये बद नजर नहीं करता है, झूठ नहीं बोलता है, हसद निंदा बदगोई नहीं करता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि उसका ख्याल दीन धर्म पे होवे, इलम पे होवे। तो बात उन क्या है, तो मौला फरमाते हैं कि इबादत का पाया ईमान पे है और ईमान का पाया इश्क पे है। तो कहने का मतलब ईमान का पाया इश्क पे है, बराबर, वैसे आमाल का पाया इश्क पे है। एक तरफ मौला ने फरमाया कि ईमान का पाया इश्क पे है, और दूसरी तरफ फरमाया कि आमाल का पाया इश्क पे है। तो अमल क्या हुआ, अमल ईमान हुआ, बराबर। और वो ईमान जो मौला ने, हम आगे फरमान में आएगा, ईमान नूर है, जो ईमान हमको मौला ने रखने के लिए कहा गया है। और गिनान में भी पीरों ने फरमाया कि इलम ईमान सब जिक्रुज कहिए। तो इलम के रिलेटेड जो कुछ भी हम काम करते हैं, इलम मजालिस में आते हैं, इलम सुनते हैं, घर पे इलम पढ़ते हैं, याद करते हैं, लिखते हैं, होमवर्क करते हैं, उस पे गौर करते हैं, मनन चिंतन करते हैं, ये भी सारी इबादत है, वो भी जिक्र है। इलम ईमान, ईमान में रहना, ईमान की समझ में रहना, वो भी जिक्र है, वो भी इबादत है। तो जैसे अमल करोगे वैसे बनोगे, अच्छे काम पे अमल करोगे तो मलाइक के दरजे पहुंचोगे, और मलाइक से भी ऊपर जो हम देख गए फना फिल्ला तक, बराबर।
फरमान पे अमल नहीं करोगे तो शैतान बनोगे, तकबूरी वाले बनोगे। तो शैतान की बात आती है तो अजा दिल की बात आती है, तो ये फेरफार कैसे हुआ? मौला ने फरमाया तो कि हसद की वजह से हुआ, शैतान ने हसद किया, उसलिए वो मलाइक से नीचे गिर के जमीन पर पड़ा और वो गुजराती में बोले मौला ने कह रानियों गयो। तो ये फेरफार हसद की वजह से हुआ। तो क्या किया अजाजिल अपनी बंदगी से? 125वां फरमान है कलाम बिन पार्ट वन में, मौला ने फरमाया कि अपनी अजाजिल अपनी बंदगी से साथ में आसमान तक पहुंच गया, लेकिन धर्म के मक्स को समझा नहीं, मजहब के मक्स को नहीं समझा। तो अपनी बंदगी से साथ में आसमान तक पहुंचना, उससे ऊपर धर्म के मक्स को समझना है, यानी कि खुदा के फरमान को मानना है, यानी आपका दीन मक्स से भरपूर है, यानी कि उसमें नूर भरा हुआ है, वो नूर देखने में आवे तो इमाम की खूबी है, इमाम की खूबी है वो नूर है। वो अजाजिल नहीं समझ पाया और वो खुदा को फरमान को नहीं माना, तो खुदा को सजदा करने के लिए राजी था, लेकिन खुदा ने फरमाया कि तू आदम को सजदा कर, तो उसने मना कर दिया कि मैं आग की पैदाश हूँ और आदम मिट्टी की पैदाश है, तो मैं आदम को सजदा नहीं करूँगा। और दूसरा क्या बोला कि खुदा तूने ही फरमाया था कि तेरे अलावा किसी को सजदा नहीं करना, तो मौला ने फरमाया मैंने फरमाया था और मैं ही अभी फरमा रहा हूँ कि तू आदम को सजदा कर। बराबर, तो आदम में जो रूह था वो खुदा का नूर था, उसकी पहचान न थी। ओके, तो क्या हुआ कि ये फरमान पे अमल नहीं हुआ तो शैतान हुआ। तो मौला हमको भी फरमाते थे कि आप फरमान पे अमल नहीं करोगे तो शैतान बनोगे, तकबूरी वाले बनोगे। तो मौला ने जो हम पे कर्म किया है वो खुद ही बुझाता है, इलम से हम घर पे इलम पढ़ते हैं, इलम की किताब में उसमें से हमको बताता है, कोई आलिम से बताता है, क्योंकि दोस्त बोले, दुश्मन बोले, चाहे बोले कोई इंसान, कहन हार मत देख, हक बात सुन। हम मर्द दरवेश है, उसलिए हम आपको हक फरामीन फरमाते हैं। देखो अभी इसके बाद वही फरामीन है, तो हमको हक देखना है और वो कबूल करना है, तो वो आदम को सजदा किए बराबर है, राइट। सब इंसान के रूह के साथ इमाम का नूर जुड़ा हुआ है। जब आप इंसान को देखते हो तो आपको शक्ल दिखाई देती है, हाथ पैर मुंह आंखें सब दिखाई देता है, लेकिन रूह नहीं दिखाई देता। आप रूह को देखने की तजवीज करो। तो जब जिस्म देखा जाता है तो हसद होती है और तकबूरी होती है, तो रूह को देखना चाहिए, खुदा के नूर को देखना चाहिए। हम मर्द दरवेश है, उसलिए हम आपको हक फरामीन फरमाते हैं, बाद में कबूल करो या ना करो ये आपकी मर्जी की बात है, हमारे फरमान ऊपर चलना है तो हम बात करें। तो मौला ने फरमाया हम मर्द दरवेश है, उसलिए हम आपको हक सच्चे फरमान फरमाते हैं। अभी अमल करना न करना, कबूल करना न करना आपकी खुशी पे है, और फरमान पे नहीं चलना हो, मौला ने इतनी दिलगिरी बताई, अगर आपको नहीं चलना है फरमान के ऊपर तो हम बात न करें। तो खुदा ना खास्ता हमारी हालत ऐसी ना हो जानी चाहिए कि मौला को ऐसा फरमान फरमाना पड़े कि अगर आपको नहीं चलना है मेरे फरमान पे तो मैं आपको बात ही नहीं करूँ, आपको फरमान ही ना फरमाऊ। तो देखो मौला ने फरमाया कि जो बच्चे बचपन में सुस्ती नहीं करते और फरामीन याद करते हैं तो गुजर जाने के बाद वो गधे की मिसाल नहीं रह जाते हैं। तो हमको वो फरमान कलाम याद करने चाहिए, जो कुछ भी याद होए, रोज का एक फरामीन भी कलाम भी याद होए और उस पर सोचना चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो गधे की मिसाल रह जाते हैं। मौला ने फरमाया कि गधे जैसे लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं कि हमारी इबादत जबान की है और हमारे ख्याल दुनिया पर है, ऐसे लोगों को मैं क्या जवाब दूं? तो मैं कान बंद रख के चुप बैठा रहता हूं। तो ऐसा नहीं होवे कि मौला फरमाए कि हमारे फरमान पे नहीं चलना है तो हम आपसे बात न करें। हम आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं, जिसको अच्छा लगे वो करे और न करें। हमारे फरमान की खबर आपको आखिरत में पड़ेगी, दुनिया में आपको पता नहीं चलेगा, वहाँ सब कुछ आपको दिखाई देगा। तो
मौलाना ने फरमाया कि हम आपको सही रास्ता बताते हैं, तो जिसको चलना है वो चले, और कई लोग हैं तो नहीं चलते, हमारे फरमान की खबर आपको आखिरत में पड़ेगी। तो मौलाना ने फरमाया कि जब मरोगे तो फायदे की सही कीमत आपको मालूम पड़ेगी, यानी कितना कीमती है। मौलाना फरमाया हमारे फरमान को ऐसा मत समझना हमने बेफिजुल फरमान फरमाए, हमारे फरमान को कीमती समझना, जो मामूली समझोगे तो नुकसान होगा, तो यहाँ समझ ले तो अच्छा है, नहीं तो बोला आखिरत में तुमको पता चलेगा। इसी से फायदे की सही कीमत आप मरोगे तभी पता चलेगा। तो इंसान जब तक दुनिया में जिंदा है तब तक नूर का पानी उसके हाथ में नहीं आता है, तो मरता है तब आता है, बराबर। तो ये जो जाहिर में मरने की बात नहीं है, 60, 70, 80, 90, 100 साल में इंसान गुजर जाता है उसकी बात नहीं है, ये गुरजीनान में जो मर जावे फरमान के अंदर फना हो जावे उसको भेद और खूबी हासिल होती है। उसके लिए कलाम में मौला फरमाते हैं कि इलम मरतबा दरिया जैसा, जिसका वार न पार, बहुत गहरा बेहद उंडा, उसमें चीजा अनंत अपार, ये कोई उसमें गोथा खावे, यानी इलम में गोथा खाते है और आप फना हो जाए, फना यानी कुछ नहीं, अपनी खुद ही गवा देता है इलम के अंदर, तो ही अमूलक साई अपना मोती ऊपर ले आवे, तो मरोगे तब पता चलेगा। वहां काले मुंह वाले और सफेद मुंह वाले दिखाई देंगे, काले मुंह वाले कहेंगे कि हमने अच्छे अमाल किए होते तो अच्छा होता। तो इसलिए कलाम में मौला फरमाते हैं कि मोमन के मुंह पर नूर अधकेरा, जो बीच रात उठ करे कमाए, रात की बनगी दिन में दिसे, करण हार के मोह पर होवे रोशनाई, कयामत के दिन कोई मोह काले कोई मोह होवे सफेद, वे जिन्हें रात में बनगी की थी सच्चे सिदक से उन्हें पाई उम्मीद। तो महराज खुदा का रसूल पाया जिन्हें सब रात की थी हक बनगी, हम मर्दे दरवेश है उसलिए हम आपको हक फरामिन फरमाते, तो कोई एक रात नहीं सब रात की थी हक बनगी, यानी रात में क्या होता है अंधेरा होता है, उजाला नहीं होता है, तो रहनी जाए तिनी जागता, उसकी रहनी उसका अंधकार चला गया तो उजाला हो गया, क्या रचना ज्ञानी था। तो ये जो हम इलम सुन रहे पढ़ रहे वो भी ज्ञानी है इलम ही है, लेकिन रचना होती है यानी कि उसकी बातू नहीं मायना, जो रूहानियत का इलम है, रूहानी इलम है, बातून इलम है, वो जो गहरा इल्म और सच्ची समझ जो मौला हम सबको लिए चाहता है मौला उसकी समझ आवे तब वो हमको पता चलता है, राइट। तो इंसान खुदा की बंदगी अच्छी तरह करे तो उसकी जबान, तो खुदा उसको अक्ल देवे उसकी जबान और करामत अच्छी चले, यानी कि खुदावन ताला से जब रहमत होती है तो इंसान को अक्ल और इल्म हासिल होता है और वो वाइज करनार बन सकता है। तो ये रहनी यानी अंधकार दूर होता है, खुदा का नूर है वो उजाला है, हमारे फरमान फरामीन मख्फी है वो आपके लिए रोशनी है, मख्फी यानी बातूनी, तो इलम की जो बातूनी बातें हैं वो रोशनी है, वो रोशनी में आप चले जाओगे तो नुकसान नहीं होगा। तो ये बात मौला ने बताई है कि सफेद मुंह वाला कौन है। मोमन के वास्ते पहले काम ये है कि हैवान की आदत छोड़ दे, हैवान की हालत है वो बद है, भी मोमिन को भी ये चीज का डर है कि आप मेरे पास आके कहते हो कि हम मोमिन है तो हम आपको पूछते हैं कि जानवर से कौन सा हुनर आप में ज्यादा है, तो वो हुनर ये है कि एक घंटे ख्याल करना कि रूह क्या है, अगर आपकी ऐसी आदत होगी तो मोमिन के लक्षण और दिन का आपको पता चलेगा। वो मोमिन को मौला फरमाते हैं कि पहला काम उसके लिए है कि हैवान की हालत छोड़ दे, तो उसके अंदर अंदर भी कहीं ना कहीं ये हालत है, तभी मौला ने फरमाया कि हैवान की आदत छोड़ दे, यानी हकीकती मोमिन की निगाह हमेशा फरमान पे रहती है, यानी हम जो फरामीन फरमाते वो जवाहिर है, जो इंसान है वो जवाहिर को उठा लेता है, जो हैवान है उसकी निगाह घास पे रहती है और जवाहिर को छोड़ देता है, तो फरमान पे हमेशा नजर रहनी चाहिए। तो फरमान छोड़ के बद नजर से देखोगे तो दिल की आंखें आस्ते आस्ते अंधी हो जाएगी, दिल में अंधेरा हो जाएगा और नूर को कभी भी नहीं देख पाओगे। तो मोमन के वास्ते पहला काम है कि हैवान की हालत छोड़ दे, हैवान की हालत है वो बद है।
तो मोमिन को क्या करना चाहिए? अगर आप मोमिन हो तो खुदावन ताला पे आशक बनो, यानी रूह क्या है वो समझ आई है तो मोमिन जो 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 खुदावन ताला से ज्यादा मोहब्बत करता है त्यू त्यू खुदा को, यानी खुदावन ताला की जात में नाबूद होना है, यानी खुदा में नाबूद होना एक होना है, वो खुदा को करीब होता जाता है, वो खुदा को रूबरू देखता है। तो वो मोमिन को आशिक होने को बोला गया, और आप मोमिन हो थोड़ी कसर हो तो काम नहीं आएगी। फिरस्ता होना है तो बद नजर छोड़ दो, बुरे काम का ख्याल नहीं करो, सब भाइयों को माँ और बहन करके समझो। तो फिरस्ता पाक है, दूसरी सड़क रूह की यानी फिरस्ता की है, दिल यानी के रूह, और दिल पाक रखने से नजात मिलती है, और बिन इलम तो पाक क्यों होई सी। तो फरामीन छोड़ देते हैं, उस पर निगाह हट जाती है, तो हकीकती मोमिन की निगाह हमेशा फरमान पे रहती है, रहनी चाहिए, वो हट जाती है तो बद नजर हो जाता है। फरामीन छोड़ के बद नजर से देखोगे तो दिल की आंखें आस्ते आस्ते अंधी हो जाएगी, दिल में अंधेरा हो जाएगा और नूर को कभी भी नहीं देख पाओगे। किसी का पराया माल नहीं खाओ, कोई पराया का माल खा जाना वो मोमन के लिए वाजिब नहीं है। तो हकी रोटी ये है कि खुद की रोटी खाए मौला ने फरमाया, और आखरत को याद करे यानी खुदा को याद करे, खुद की रोटी खाए, मेहनत करके इलम सीखो और हिम्मत रखो, जिसमें हिम्मत है वो साथ में आसमान तक पहुंच जाता है। तो पोतानी हकनी कमाई करीने खाइए तो भाई निंद्रा ना आवे पास, यानी गफलती की निंद्रा नींद नहीं आएगी अगर आप खुद की हक की रोटी कमा के खाओगे। तो हम मर्द दरवेश है, उसलिए आपको हक फरामीन फरमाते हैं, तो मेहनत करिए इलम सीखे बराबर। वन वावे कोने लुनिया पीर कहे मुने देखाड़ो जी, के बिगर बोए किसी ने लूना हुए पाया हुए तो मुझे बताओ। तो मेहनत करके इलम सीखना है बराबर, इलम इंटरेस्ट में रेगुलर आना है, घर पे इलम पढ़ना है, याद करना है, होमवर्क करना है, मरण चिंतन करना है, राइट। दिनना दुश्मन नो पण माल नहीं खाओ, कोई नो पैसो पण नहीं खाओ, जो दिन के दुश्मन है उसका माल नहीं खाना चाहिए। तो दिन की मायना हम समझ गए कि दिन ये है कि बुरे ख्याल नहीं करो, मुर्शिद के फरमान को जो मान देते हो बड़े है, और दिन का सही मायने में मायना ये है, और दिन यानी के रूह। तो जो दिन के दुश्मन है, हमारे फरमान पढ़ने और उसकी मायना निकालने की जो मना करते हो दिन के दुश्मन है, तो उनका भी माल न खाओ मौला ने फरमाया, किसी का पैसा भी मत खाओ। खराब नजर न करे तो दिल साबुत रहे, दिल यानी के रूह को साबुत रखना है तो खराब नजर मत करो, तो बद नजर मत करो, यानी हकीकती मोमिन की निगाह हमेशा फरमान पे रहती है, फरमान पे हमेशा निगाह रखो। दिल साबुत होगा तो ईमान साबित रहेगा, दिल यानी के रूह, तो दिल साबित है तो ईमान साबित है। आप रात और दिन सोचो कि ईमानी टोला गिरो पाक है और ईमान नूर है। तो रात दिन क्या सोचो कि ईमानी जो है वो पाक है और ईमान नूर है। तो ईमान नूर है, तो ईमान को नूर कहा गया, तो नूर तो खुदावन ताला खुद है बराबर। लेकिन यहाँ तक बात पूरी नहीं होती है, क्योंकि ईमान को भी खुदा के नूर में एक होना है। जो इश्क बराबर हो तो ईमान रूह के साथ एक हो जाता है। तो ईमान को नूर कहा, लेकिन वो फाइनल डेस्टिनेशन नहीं है, वो उसको भी नूर को भी, ईमान जो नूर है उसको खुदा के रूह में एक होना है, यानी इलम इश्क ईमान बातुनी इबादत ये सब सिफाती स्वरूप है, वो खुदा में एक होने के जरिए है, और उनको भी जहाँ से आए हैं यानि जो खुदा का जाति स्वरूप है ला है, उत्तम सब जाति गई है, तो उसमें फना होना है, एक होना है। कौन से ईमान की मौला बात फरमा रहे हैं? तो कि आप अपना ईमान मंसूर जैसा रखो बराबर। जो मौला हमको फरमाते हैं कि आप में और मुझ में कोई जुदाई नहीं है, मोमिन और मुर्शिद हमेशा एक ही है,
इस तरह दिल मजबूत रखे एक दिल होना चाहिए, जिन्हें दूर करी ने जाने तेना काज न सारिया, गाफल तमे दूर म देखो एक जियो जी। तो ये जो ईमान है वो ईमान नूर है, और वो ईमान को रोशन करना है तो ये ईमान की समझ आती है तो क्या फरमा बरदारी आती है। मौला ने फरमाया कि आप मेरे जैसे बनो, देखो मेरे दिल में कूड़ कपट हसद अदेकाई कुछ भी नहीं है, आप भी मेरी तरह पाक और साफ रहो। और दूसरा मौला ने फरमाया कि हम दिन का काम करते हैं, आप भी दिन का काम करो, आप दिन का काम नहीं करोगे मर जाओगे तो बहुत पछताओगे। तो मौला क्या दिन का काम करते हैं, हमारा काम है कि आपको सीधा और सच्चा रास्ता दिखावे कि जिस पर चल के आप अपने असल मकान तक पहुंच सको, खुदा के नूर में एक हो सको। बराबर, तो पाक और साफ रखना है, और ना सिर्फ खुद के रूह को संभालना है, दूसरे को भी दिन धर्म की नसीहत करके उनका ईमान मजबूत करना है, दिन धर्म पे मजबूत करना है। मेल होगा तो ईमान पैदा नहीं होगा, शक होगा तो दिल में पाप पैदा होगा, और मेले दिल में शक पैदा होगा। तो देखो पहले मौला ने फरमाया कि मेल होगा तो ईमान पैदा नहीं होगा। तो मेल क्या है, दुनिया की मोहब्बत मेली है, तो दुनिया की मोहब्बत है ना वो मेली है। तो मोहब्बत मौला की राह सीधी है, जो बतावे सो है सच्चा भाई। तो मौला हमारा सच्चा भाई है, वो मौला हमको मोहब्बत का रास्ता दिखाते हैं कि भाई सब दर्द की दारू लिखी पर दिल के दर्द की दारू है ये, कलाम खुदा का याद करो नित पढ़ो जो तुम दिल वसे रब का ने। तो आप मेरे पास आके कहते हो कि हमको आखरत की बड़ाई मिले लेकिन आप दुनिया ना छोड़ो तो कैसे मिले, दुनिया की मोहब्बत बुरी है और मेली है, और मेले दिल में शक पैदा होता है। तो मेल होगा तो ईमान पैदा नहीं होगा, तो क्या होगा कि मेरे दिल में शक पैदा होगा, और शक होगा तो क्या होगा, ईमान पैदा नहीं होगा, पाप पैदा होगा, ना फरमानी पैदा होगी। मोमन के ख्याल विचार बातून सब साफ चाहिए, कोई भी ऐब ना चाहिए, और दिल मेला हो गया खुदा ना खास्ता, यानी क्यों मेला हुआ, दुनिया की बड़ाई दुनिया की मोहब्बत की वजह से दिल मेला हो गया, तो मेले दिल में शक पैदा हुआ, और शक ऐसी चीज है कि ईमान को खा जाती है, जो भी थोड़ा बहुत ईमान है उसको शक वसवसा खा जाती है। इसलिए जो दिन का पाया अक्ल ऊपर नहीं रचा गया है, हमारी जो भी मजहब की समझ है सोच है उसका बेस उसका पाया फरमान से होना चाहिए, वो सारी चीजें फरमान से साबित होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमारे दिल में शक और वसवसा पैदा होगा। तो जो दिन का पाया यानी जो समझ का पाया अक्ल ऊपर मौला के फरमान पर नहीं रचा गया, वो आहिस्ता आहिस्ता घिस जाएगा और बिल्कुल रहने नहीं पाएगा। तो हम इल्म बिजनेस में रेगुलर आवे, फरामीन की स्टडी करें, और हमारे मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ हासिल करें, तो और मोहब्बत सिर्फ मौला के करें, दुनिया की मोहब्बत ना करें, क्योंकि दुनिया की मोहब्बत मैली है, और दिल मैला होता है तो शक पैदा होता है, उसमें से पाप पैदा होता है, ईमान दुरुस्त नहीं होता, शक वसवसा वो ईमान को खा जाता है। बराबर, तो ये सारी चीज़ के हम ख्याल करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कलामबीन पार्ट वन में जो रूहानी समझन के फरामीन है 51 उसका पहला होमवर्क पूरा किया। हमारा नेक्स्ट होमवर्क है वो तुम सोचो के सिमर और यजीद कौन थे, वहाँ से लेके है वो खुदा का नूर उजाला है मेरे ख्याल से वहाँ तक है। तो हम जो वाइज करते हैं वो भी और जो नहीं करते सभी लोग स्टडी करें, और हो सके तो वाइज के दौरान फरामीन की बुक लेके बैठे और बराबर ध्यान से सुने, और हमारे मजहब का गहरा इल्म और सच्ची समझ हासिल करने की कोशिश करें। इंशाल्लाह हम कल दुआ के तीसरे पार्ट की फिलोसोफी समझने की कोशिश करेंगे। तो किसी को भी आज जो समझाया उसके बारे में कोई सवाल हुए, जो दो क्वेश्चन थे उसके बारे में किसी को पूछना है तो जरूर फ़ोन करें, टेस्ट करें, वॉइस मेल छोड़े, तो मैं अपनी ओर से बेहतर कोशिश करूँगा आपको समझाने की।
अच्छा एक बात ये बतानी है कि देखो हमारे मजहब का जो बेस है दुआ दसवंद और बंदगी वो तो हम जानते हैं बराबर, और उसके अलावा भी हमारे जो नौकरी करते हैं धंधा करते हैं बहने जो हाउसवाइफ है और हम रोजिंदा हमारा जिंदगी गुजारते हैं, तो उसमें मौला को कैसे हम याद कर सकते हैं। तो उस लिए मौला ने हमको फरमाया कि मौला ने ऊपर से फरमाया के फरमान पढ़ो जो पढ़ना जाने, तो हम पढ़ के याद करते हैं और याद किया उस पे हम मनन चिंतन करते हैं, तो ये भी फरमा बरदारी है। नहीं कर सकते तो मौला ने फरमाया नहीं तो सुनो रब का कलाम, ये करो लेकिन नहीं कर सकते हो तो सुनो आप इलम इलम मिजारिस में आके सुनो, राइट। और सुनना भी जो ना पाओ किसी, नहीं खुद अब स्टडी करते हो पढ़ते हो तो सुनो, और वो भी नहीं करते हो तो हरदम लियो खुदाए रसूल का नाम। तो मौला ने फरमाया एक आपको एक सेकंड मिले एक मिनट मिले दिल का लम्हा मिले तो आप तस्बीह लो या अली या मोहम्मद या अल्लाह को। तो हम कैसे भी मौला के साथ कनेक्टेड रहे हुए और मौला से मोहब्बत करें, और ये खुदा को याद करने की रीतें बताई हैं उस पर हम फॉलो करें, और इलम से ही हम मजहब के बारे में समझ पाएंगे, क्योंकि मौला ने हमको कैसे बताया फरमान करके बताया, राइट, कि पहले हम क्या थे अभी क्या है आगे हमको कहाँ जाना है, ये सारी चीजें मौला ने फरमान फरमा के बताई। तो फरमान किस में है, इलम की किताब में है, ओके, या हम रिकॉर्डिंग सुनते हैं इलम की फरामीन की वाहिश की उसके अंदर है, तो उसके साथ वो इलम के साथ हम कनेक्टेड रहे हुए तो ही हम हमारे मजहब का गहरा इलम और सच्ची समझ हासिल कर पाएंगे। तो अभी हम थोड़े मौला के फरामीन के याद ही देते हैं और दुआएं दे के इलम मजालिस पूरी करते हैं। तुम हमें बहुत प्यारे लगते हो, आपको हम हमारे अजीज समझते हैं, ये सब इश्क आपके ख्याल और मोहब्बत के लिए है, हम आपकी तरफ से इश्क चाहते हैं इसलिए आपको अच्छा रास्ता दिखाते हैं। जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों का हाथ पकड़ कर चलाते हैं इसी तरह हम आपको चलाते हैं। देखो इतना बड़ा समंदर है उसमें पहाड़ और बड़े बड़े जानवर हैं, इन तमाम से गुजर कर हम यहाँ आए हैं वो किसी और चीज़ के लिए नहीं बल्कि खास हमारे मोमिन के लिए आए हैं। हम यहाँ पर आए हैं वो आपके जीव के छुटकारे के लिए आए हैं, हम तुम्हारे सारे काम करने के लिए आए हैं, हम आपको आसान रास्ते से पार उतारने के लिए आए हैं, हम आपके लिए आसान मजहब लेके आए हैं। इलम से पहाड़ जैसी मुश्किल बाबतें बातें आसान हो जाती हैं। हमारा दिल चाहता है कि हम हमेशा तुम्हारे पास रहें, जाहिर की जुदाई बहुत सख्त है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बातुन में हम और आप जुदा नहीं हैं, बातुन में हम हमेशा आपके पास हैं, हम और आप एक हैं, हमेशा हम और आप जुदा नहीं हैं। आप हमारे मुरीद हमारी हकीकी औलाद की तरह हो, मुरीद और मुर्शीद के दरमियान कोई भी जुदाई नहीं है, मोमिन और मुर्शीद कभी भी जुदा नहीं है, वो हमेशा एक ही है। इस तरह दिल हमेशा मजबूत करके एक दिल रखना चाहिए। आप हमारा इश्क रखते हो और हम आपका इश्क रखते हैं, इसलिए अब आप में और हम में कोई जुदाई नहीं है। हम हमारे दिल से दुआ करते हैं कि खुदाया इनके दिलों में ऐसी ताकत बख्श के आज़ाद हो, हकीकती हो, खराबी से दूर भागे, सही रास्ता इख्तियार करे और सीधे रास्ते पे चले। खुदाया इन्हें हकीकती आंखें बख्श, ये दुआ तमाम दुआओं से बेहतर है। इंशाअल्लाह हमारे फरमान हमेशा दिल में रखना, भूल मत जाना, ऐसा न हो कि जब तक हम जाहिरी में यहाँ हाजिर है तब तक हमारे फरमान पढ़ो और फिर ना पढ़ो, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिस तरह गिनान पढ़ते हो इसी तरह हमारे फरमान पढ़ना,
जिस तरह ज्ञान की मायना निकालते हो इसी तरह हमारे फरमान की भी मायना निकालना। हमारे फरमान ही ज्ञान है। ज्ञान में, हदीस में, कुरान में है। हम उससे 100 गुना ज्यादा तुम्हें फरमान के जरिए समझाते हैं। अभी जो फरमान फरमाए जाते हैं जिनसे तुम्हारा जीव का छुटकारा हो वो पढ़ो। हमारे मोमिन के लिए एक फरमान ही काफी है। हमारे तशरीफ ले जाने के बाद ऐसा नहीं समझना कि साहेब तशरीफ ले गए। जिस तरह तुम इमाम को हाजिर समझते हो इसी तरह हाजिर समझना। हाजिर इमाम जाहिरी में हमेशा हाजिर नहीं बैठे रहते लेकिन उनको हाजिर समझना चाहिए। हम भी हमेशा तुम्हारे पास बैठे हैं। हम आप सभी को इंशाल्लाह इस सलाह देना चाहते हैं कि आप हमारे करीब हो और हमेशा आप हमारे दिल और ख्यालों में हो। हम दुनिया भर के इस्माइलियों की बुलंदी और तरक्की के लिए हमारी जिंदगी आपको वक्फ की है और आपके सभी सुख और कामयाबी के लिए दुआ फरमाते हैं। खानावदान खानावदान। हम दुआ फरमाते हैं कि आप सुखी हो, आप में ताकत हो, आप में इखलास हो, आपके दिलों में ईमानदारी और हलीमी हो और आप सभी में वो रूहानी सुकून हो जो आपकी जिंदगी के दरमियान आपको हिदायत दे चाहे आपके हालात कैसे भी हो। हम उम्मीद रखते हैं और दुआ फरमाते हैं कि आप हमेशा सुखी रहो, कामयाब हो और सबसे ज्यादा आपके दिल हमेशा नूर, ईमान, हलीमी और खुशी से भरे रहे। खानावदान खानावदान। आज शाम को जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब हम चाहेंगे कि आप 2 बातें याद रखना। एक तो ये है कि आप हर एक की याद, हर एक का चेहरा हमारे दिल में हम लेके जाएंगे। दूसरा ये कि आपका हमारे लिए प्यार कभी भी हो सके उससे हमारी जमात के लिए हमारा जो प्यार है वो बहुत ही बुलंद है। और हम चाहते हैं कि आप ये याद रखो कि जब हम तशरीफ ले जाएंगे तब आप हर एक हमारे दिल में, हमारी दुआओं में, हमारे ख्यालों में होंगे। और आपकी ये आपको ये याद रहे कि इमाम आपको ज़्यादा चाहते हैं, आप उनको चाह सको उससे बहुत ज़्यादा चाहते हैं और ये इलम में आपको मजबूत रहना चाहिए। खानावदान खानावदान। हम आप सबको हमारे पुरजोश पुरसक्कत प्यार भरे दुआ आशीष फरमाते हैं। खानावदान बेहतरीन दुआ आशीष खानावदान। हाज़रीन तमाम इलम मजलिस के भाई बहनों और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों को अली सही अल्लाह मौला मुर्तज़ा अली सही खुदावी आलमीन सुखी सलामत और आबाद रखे। ईमान आखिरी दम तक सलामत रखे। आमीन। सारी नेक उम्मीदें पूरी करे। आमीन। बच्चों को एजुकेशन में एक्सेल करे। आमीन। बच्चों को नेक तौफीक दे। आमीन। सबकी कुल मुश्किलात, बीमारी, बलाए, आफतें, तकलीफें, मसाइल, गैर समझ को दूर करे। आमीन। धंधा रोजगार कमाई में बरकत दे। आमीन। किसी का कर्जदार और मोहताज न रखे। आमीन। दीन और दुनिया में पुरसुकून रखे। आमीन। इलम मजालिस के सब भाई बहनों और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों में आपस में, फैमिली में, खानदानों में, जमात में सम सला इखलास और मोहब्बत में इजाफा करें। आमीन। लंबी सेहतमंद जिंदगी अता करें। आमीन। हमारे मुल्क में और दुनिया भर में जहाँ भी सलामती नहीं है वहाँ सुख शांति, सलामती और आबादी फैलावे। आमीन। हमारे दिल नूर, ईमान, हलीमी
और खुशी से भरे रखे। आमीन। इल्म ज्ञान में इजाफा करे। आमीन। हकीकती सच्ची समझ देवे। आमीन। बातों ने नूरानी दीदार नसीब करे। आमीन। इसी जन्म में हमको मौला उनके नूर में एक कर दे। आमीन। आदरणीय तमाम इलम मजलिस भाई बहन के भाई बहन और दुनिया भर के तमाम इस्माइली भाई बहनों के फैमिली के रूहानी मेम्बरन को अली सही अल्लाह मौला मुर्तजा अली सही खुदावंद आलमीन कुल गुनाह माफ करे। आमीन। बातूने नूरानी दीदार नसीब करे। आमीन। असल मुबारक में वासिल करे। आमीन। शुक्र मौला आप सबका तहे दिल बहुत बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह या अली मदद मौला अली।